कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर लगाए गए कर्फ्यू के दौरान दी गई ढील का कुछ दुकानदारों ने बिलासपुर में गलत फायदा उठाया। बिलासपुर शहर में 12 बजे के बाद भी कई दुकानें खुली नजर आई। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले ऐसे दुकानदारों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए DSP संजय शर्मा मौके पर पहुंचे और दुकानदारों को कड़ी चेतावनी भी दी गई। उन्होंने बताया कि 12 बजे के बाद दुकानें खुली रखना सरासर कर्फ्यू का उल्लंघन है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने राशन व सब्जी फलों की दुकानों का निरीक्षण भी किया। साथ ही उन्होंने बस अड्डा चौक पर लगे नाके पर पुलिसकर्मियों से व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने मौके पर ही चौकी इंचार्ज को बुलाया और नियमों की उल्लंघना करने के विरुद्ध में कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। आम जनता से अनुरोध है कि जो लॉकडाउन के जो नियम हैं उनका पालन करें। जो भी दुकानदार या कोई अन्य व्यक्ति जिसको कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड नहीं है, यदि रिलैक्सेशन पीरियड के अलावा अपने दुकान को खुला रखेगा तो उसके खिलाफ जो है पुलिस जो है वो कड़ी कार्रवाई करेगी। और ये जो है धारा 188 की उल्लंघना का मामला सीधे तौर पे बनता है। सभी आम जनता से निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए रिलैक्सेशन पीरियड है उसमें भी जो है वो सिर्फ उसी में ही जो है वो अपनी जो आवश्यक खरीदारी है उसको करें। यह हमारा स्पष्ट संदेश है कि किसी भी हालत में जो है वो कर्फ्यू पीरियड के दौरान जो है इसकी वॉयलेशन जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी।